गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम इंडक्टिव इफेक्ट का अध्ययन कर रहे थे और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अपन ने पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से उत्पन्न होता है और इंडक्टिव इफेक्ट दूरी के साथ कम होता जाता है और इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो केवल सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेस होता है और सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के जिस सेल में थे उसी सेल में रहते हैं, केवल उसी सेल में पार्शियली डिस्प्लेस होते हैं, उस सेल को छोड़ते नहीं। और इंडक्टिव इफेक्ट के दो भागों में डिवाइड किया, एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। और ये हमने पढ़ा कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों साथ साथ लगते हैं, किसी मॉलिक्यूल में एक साथ प्रभावी होते हैं। प्लस आई लगेगा एक मॉलिक्यूल में किसी ग्रुप या परमाणु का प्लस आई प्रभाव लग रहा है तो उसी मॉलिक्यूल में दूसरे परमाणु का माइनस आई प्रभाव लगेगा। यानी एक मॉलिक्यूल में प्लस आई और माइनस आई प्रभाव एक साथ प्रभावी होते हैं। इनकी स्वभाव अलग अलग होता है। एक माइनस आई तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी रखता है जबकि प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉनों को पुश करने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन इनकी जो मात्रा है, इनका जो परिमाण है वो इक्वल होता है। जितना प्लस आई होगा उतना ही माइनस आई होगा। इतना पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उन ग्रुप्स का अध्ययन करेंगे जो किसी कार्बन श्रृंखला के ऊपर प्लस आई प्रभाव दिखाएंगे और कार्बन श्रृंखला के ऊपर माइनस आई प्रभाव दिखाएंगे। क्योंकि कार्बन श्रृंखला इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती हैं, तो यहाँ पर हम कार्बन श्रृंखला को आधार बनाया। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। आज हम उन ग्रुप्स का अध्ययन करेंगे जो प्लस आई प्रभाव दिखाएंगे कार्बन श्रृंखला पर और कुछ ग्रुप्स वो होंगे जो माइनस आई प्रभाव दिखाएंगे कार्बन श्रृंखला पर। प्लस आई प्रभाव वो ग्रुप दिखाते हैं जो कार्बन श्रृंखला के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बढ़ा दें, यानी कार्बन श्रृंखला में जो सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन श्रृंखला की तरफ विस्थापित हो जाएं। प्लस आई इफेक्ट द एटम या ग्रुप ऑफ द एटम्स विच डिस्प्लेस इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स नेबरिंग यानी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल यदि देखें CH2-, यदि कार्बन श्रृंखला से CH2- ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये प्लस आई प्रभाव दिखाएगा, यानी कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें NH-, ये भी कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें O-, नेक्स्ट देखें तो COO-, ये सारे के सारे ग्रुप कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। अब इनका आपस में रिलेटिव अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा कार्बन श्रृंखला में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वो CH2- होगा, फिर NH-, फिर O- और फिर लास्ट में COO-। ये सारे के सारे ग्रुप्स किसी कार्बन श्रृंखला के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो कार्बन श्रृंखला के ऊपर इनका प्लस आई प्रभाव होगा। अब यहाँ कार्बन श्रृंखला चूंकि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रही है तो इन केस में कार्बन श्रृंखला का माइनस आई प्रभाव। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी भी परमाणु की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, यानी जितनी ज़्यादा किसी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो खुद के ऊपर उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबल रख पाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट।
और उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही कम होगा। ये कहूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका माइनस आई प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा, और वो खुद के ऊपर माइनस चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल रख पाएगा। कोई भी परमाणु जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा है उसका माइनस आई प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा होगा, और वो खुद के ऊपर माइनस चार्ज उतने ही देर तक स्टेबल रख पाएगा। और यदि एग्जाम्पल देखें प्लस आई इफेक्ट के, तो उनमें है 3 डिग्री कार्बन, एक ऐसा एल्काइल कार्बन जिसमें तीनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका कार्बन श्रृंखला के ऊपर प्लस आई प्रभाव लगेगा या किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस आई प्रभाव लगेगा। फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री कार्बन, फिर मिथाइल ग्रुप, इन तीनों का भी कार्बन श्रृंखला के ऊपर या कार्बन चैन के ऊपर प्लस आई प्रभाव लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्लस आई प्रभाव लगेगा वो 3 डिग्री कार्बन का लगेगा, यानी 3 डिग्री में भी कार्बन से जो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसका, फिर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, फिर इथाइल का, और सबसे कम जो प्लस आई प्रभाव लगेगा वो मिथाइल ग्रुप का लगेगा। नेक्स्ट यदि देखें एग्जांपल, तो ट्रिशियम, कार्बन से ट्रिशियम जुड़ा हुआ है CT3, फिर CD3 और CH3, इनमें CT3 का प्लस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा, फिर CD3 का, और फिर CH3 का। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की यदि बात करें तो कार्बन और ट्रिशियम के बीच में बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और फिर कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच, और फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। एनायनिक स्पीसीज जो होती हैं उनका प्लस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, और फिर जो एल्काइल ग्रुप होता है उनका प्लस आई प्रभाव, और फिर जो आइसोटोप्स होते हैं उनका प्लस आई प्रभाव। यहाँ अपन 3 तरीके की कैटेगरी देखी, 3 तरीके के एग्जाम्पल्स लिए जिनका प्लस आई प्रभाव होता है। पहली कैटेगरी में तो हम एनायनिक स्पीसीज ले रहे थे जिसमें CH2- NH- O- COO- ये सारी की सारी एनायनिक स्पीसीज हैं जो किसी कार्बन श्रृंखला के ऊपर प्लस आई प्रभाव दिखाएंगी या कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगी। दूसरे में हमने एल्काइल ग्रुप देखे, एल्काइल ग्रुप में भी 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल, इनमें भी 3 डिग्री का प्लस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और फिर मिथाइल ग्रुप का, और लास्ट में आइसोटोपिक इफेक्ट देखा। और इनका यदि सम्मिलित रूप से अध्ययन करें तो सबसे ज़्यादा जो प्लस आई प्रभाव लगेगा वो एनायनिक स्पीसीज का, फिर एल्काइल ग्रुपों का, और फिर आइसोटोप्स का। कल की क्लास में हम माइनस आई इफेक्ट का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।